क्वालिफाई करने वाले, इनकी शक्लें हैं, इनकी शक्लें लानते भेजने वाली हैं, इनके इनसे बंदा गटर साफ करवाए, इनसे खान बाबा तवा पीस पे जाके किचन में इनसे बर्तन धुलाओ, इनको पता लगे 60-60 लाख जो है एक कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्ट के उनके जो है मंथली सैलरी है बाबर आजम लोगों की। घंटा बजा दिया हमारा साउथ अफ्रीका ने पकड़ के, हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, बोरी बिस्तरा बंद करो और इनको पाकिस्तान भेजो। वर्ल्ड कप से कोई घंटे का बच्चा पाया ना कि वर्ल्ड कप में फिर है, मैंने पकड़ के नब्ज काट देनी आपकी वर्ल्ड चलो भाई चलो चलो मस्त नींद आएगी भाई, अब तो वर्ल्ड कप में बिल्कुल शांति हो गई भाई, बिल्कुल शांति हो गई थी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी और मैं सर को पकड़ के बैठा हुआ था कि एक वक्त में लग रहा था पाकिस्तान 300 प्लस रन्स कर जाएगा और एक वक्त में ये हुआ कि फिर पाकिस्तान की पूरी नैया 270 के हुई। अच्छा। इनको छितर बनने चाहिए, इतना गंदा मैच आ रहे हैं कि इनको कुछ शर्म नहीं है, कुछ ख्याल नहीं है अपनी कौम का, लोगों ने इतनी उम्मीदें लगाई होती हैं इनसे, लेकिन ये बाबर आजम लोगों की 40 लाख बी कैटेगरी के प्लेयर्स की है, इतनी ज़्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं, वज़ीर आज़म से ज़्यादा ये बंदे तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन खेलने का ढंग नहीं आता, शर्म आया गैरत डूब के मर जाना चाहिए इनको। भाई आप क्रिकेट को छोड़ें, आप इधर आएँ, कुछ चने वने की रेडी लगाएं, वेटरी करें, अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप हुकूमत से इजाज़त लें, फ़लस्तीन जाएँ, वहाँ पर जाके हमें भी साथ ले जाएँ, मुसलमानों के लिए अल्लाह के लिए जिहाद करें, अगर आप शहीद हो गए कम से कम जन्नत में तो जाओगे, पाकिस्तान के लिए तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आप 60 लाख तनख्वाह लेते हो महीने की, और उसके बाद जब आपसे पूछा जाता है, अकेले रिजवान ने पाकिस्तान का ठेका नहीं लिया हुआ या अकेले बाबर ने ठेका नहीं लिया हुआ। मैं निगरान वजीर आजम को भी यही कहूंगा कि भाई आप एक काम करो कि दुनिया में जो है ना अपना नाम पैदा करो। घंटा बजा दिया हमारा साउथ अफ्रीका ने पकड़ के, हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, बोरी बिस्तरा बंद करो और इनको पाकिस्तान भेजो। वर्ल्ड कप से कोई घंटे का बच्चा पाया ना कि वर्ल्ड कप में फिर है, मैंने पकड़ के नब्ज काट देनी आपकी। वर्ल्ड कप से पाकिस्तान का घंटा बच गया, साउथ अफ्रीका ने पकड़ के बोरी में डाल के हमारा घंटा बजा दिया, मेरा घंटा, बाबर आजम अपनी टीम लेके दफा होए पाकिस्तान, क्योंकि हम ठोका ठकाई करवा के वापस आ चुके हैं। लानत है ऐसी टीम के ऊपर, 4-4 लगातार हार मिली है आपको वर्ल्ड कप में, पकड़ तो शर्म कर लो थोड़ी सी, कब अच्छी क्रिकेट खेलोगे? मेरे घंटे का किंग, ये जो मेरे घंटे का किंग है, ये जो मेरे घंटे का किंग है, मेरे इतना कोई फारक किस्म का ये कप्तान है, इतना कोई फारक किस्म का कप्तान है, इसको ये नहीं पता कि स्लिप भी लगानी होती है, ये मेरे घंटे का किंग है। सिर्फ भाई होता है ना, घर में रात को छुआ आ जाता है, घर वाले परेशान हो जाते हैं, या सांप आ जाता है, या मोहल्ले में कोई ऐसे बड़ा जानवर आ जाता है, या फिर चोर आ जाता है, चोर डके, तो भाई वर्ल्ड कप में यही था बस। अब सबने के झापड़ मारा सबने ठुकाई की, किसी ने भी नहीं छोड़ा भाई, सबने ठुकाई की, सबने बजा दिया तबला, तबला इनका बिल्कुल टेढ़ा वेढ़ा हो गया भाई, तक तबतम दुम दुम, तक तबतम दुम दुम, तक तबतम। चलो भाई अब आराम आराम से अपने काम पे लग जाओ, आज काफी ज्यादा काम है, फिर एक दो दिन के लिए मैं काफी ज्यादा बिजी हूं, अगर मैं मिला नहीं आपको एक दो दिन तक तो मैं बिजी हूं भाई, मीम्स बनाने, वीडियोस बनानी है, अभी तो कयामत कयामत लेके आनी है। उल्टा के रख दी गई, पूरी की पूरी नैया उल्टा के रख दी गई, और एक वक्त था कि 270 लग रहा था, क्या शानदार पार्टनरशिप थी शादाब की और साउथ शकील की, उसके बाद आने वाले नवाज ने आज पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया, ये मैं आपको बताऊं, नवाज को टिल एंड खेलना चाहिए था, नवाज को आखिर दम तक खेलना चाहिए था, वहां विकेट थ्रो नहीं करनी बनती थी, अरे खुदा के बंदे ऑलरेडी 270 थे, 3 ओवर और खेल जाते 10 रन, सिर्फ 10 रन और कर जाते तो आज मैच का नतीजा मुख्तलिफ होता। आमन के लिए ये उनकी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतर नहीं है। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो मैच था, उसमें सबसे पहले बताएं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसे रही? पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं रही, 0% थी, और आपने जैसे देखा बैटिंग हमारी फ्लॉप होगी, टॉप ऑर्डर जो हमारा पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर है, ये पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है स्कोर ही नहीं कर रहा,
इनको चाहिए कम से कम टॉप ऑर्डर में 70-80 तो बनाए हमारे, वही एक छक्का तक नहीं लग रहा। कल परसों रिकॉर्ड टूटा है एक छक्का लगा के। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि टॉप ऑर्डर में टॉप ऑर्डर गिर गया है। देखें ये वर्ल्ड कप जो टॉप की टीम है ना उसके स्टैट देखें तो वो टॉप ऑर्डर में ना 70-80 स्कोर लगाते हैं और बॉलिंग पे आके 2-3 अर्ली ऑन विकेट्स लेते हैं। भैया पाकिस्तान वालों अपने बोरिया बिस्तर बांध लो और निकल पड़ो पाकिस्तान की ओर, क्योंकि जिस तरीके की आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने परफॉर्मेंस दिखाई बहुत ही बुरी और बोरी पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली पाकिस्तान की टीम की तरफ से। और पाकिस्तान की टीम ने बैटिंग में तो पूरी तरह से कोलैप्स कर दिया, जिस तरीके की बैटिंग की बैटिंग में पूरी तरह से पाकिस्तान कोलैप्स कर गए। और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग जो कि इतनी ज़्यादा खास नहीं थी क्योंकि रबाड़ा भी नहीं थे और पाकिस्तान का वनडिक नोकिया दोनों मेन बॉलर पाकिस्तान के नहीं थे, फिर भी पाकिस्तान के बैट्समैनों ने साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के सामने घुटने टेक दिए और शर्मनाक और लगातार चौथी हार पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप में हुई। चेन्नई के ग्राउंड में पाकिस्तान ने लगातार दो मुकाबले हारे, पहले तो अफगानिस्तान ने शर्मनाक हार दी, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने शर्मनाक हार दी पाकिस्तान की टीम को। इस हार के बाद पाकिस्तान की टीम के वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल खेलने के सभी सपनों पर पानी फेर दिया साउथ अफ्रीका ने। और एक विकेट से साउथ अफ्रीका ने टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया और क्या ही थ्रिलर किस्म का नेल बाइटर मुकाबला हुआ। पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान की बॉलिंग ने जिसमें शाहीन शाहरुद्दीन हरीश राउत ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की कि इस मुकाबले को हम कैसे भी करके जीत जाए और वर्ल्ड कप में अपना चांस बनाए रखे, वर्ल्ड कप से बाहर ना हो। लेकिन साउथ अफ्रीका ने केशव महाराज ने जो कि एक इंडियन बल्लेबाज है वही इंडियन बल्लेबाज आज पाकिस्तान की बॉलिंग पर भारी पड़ा। मोहम्मद नवाज के दूसरे ही गेंद पर केशव महाराज ने चौका जड़ दिया। मोहम्मद नवाज ने बहुत ही ज़्यादा खराब गेंद डाली और उस गेंद को केशव महाराज ने चौका लगा दिया और साउथ अफ्रीका एक विकेटों से इस मैच को जीत लिया। बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक और पूरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम से वर्ल्ड कप में जारी और लगातार पाकिस्तान अपना चौथा मुकाबला हार गई है और दूसरा मुकाबला चेन्नई के इसी ग्राउंड पे पाकिस्तान हार गई और साउथ अफ्रीका इस मुकाबले को जीत के साथ टेबल के टॉप पर पहुंच गई है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की रन रेट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इंडिया के मुकाबले में, इसलिए साउथ अफ्रीका इस मुकाबले को जीतकर टेबल टॉप पर पहुँच गई। और बात करते हैं साउथ अफ्रीका की बैटिंग की तो साउथ अफ्रीका की बैटिंग जो कि चेस में लगातार कोलैप्स करती जा रही है, चेस हो तो साउथ अफ्रीका की टीम अंडर प्रेशर हो जाती है और अच्छा खेल नहीं पाती और वैसा ही आज हुआ। जैसे साउथ अफ्रीका के बॉलर बस 20-20 रन 30-30 रन बना के आउट होते चले गए और एक बैट्समैन अकेला टिका रहा जो कि था हेडन मार्करम। और हेडन मार्करम ने बहुत ही शानदार किस्म की बोले तो परफॉर्मेंस दिखाई, जो हेडन मार्करम के 91 रन थे वही रन आज साउथ अफ्रीका के लिए जीत के लिए साबित हुए, जीत में शामिल हुए। जिस तरीके की हेडन मार्करम ने बैटिंग की और उन्होंने जो 90 रन जोड़े और लास्ट में जो केशव महाराज ने विनिंग शॉट लगाया चौके के साथ, साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान की सारी उम्मीदें वर्ल्ड कप खेलने की सारी उम्मीदों पर यानी कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल खेलने की सारी उम्मीदों पर साउथ अफ्रीका ने पानी फेर दिया। और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग देखने को मिली, जब पाकिस्तान की बैटिंग हो रही थी तब साउथ अफ्रीका ने बहुत ही शानदार किस्म की बॉलिंग की और पाकिस्तान की विकेट गिरती चली गई। एक समय पर साउथ शकील और शादाब खान के पार्टनरशिप को देखकर लग रहा था कि पाकिस्तान 300 प्लस स्कोर करेगी, लेकिन उसके बाद उस पार्टनरशिप को ब्रेक किया साउथ अफ्रीकन बॉलरों ने और पाकिस्तान को 270 रनों पे ही होल आउट कर दिया है। और लास्ट में जो बॉलिंग हुई साउथ अफ्रीका की तरफ से बहुत ही शानदार बॉलिंग हुई और एक बार फिर बाबर आजम अपने रिकॉर्ड के चक्करों में अपनी सेल्फिश इनिंग खेलकर चला गया और 50 बनाने के बाद बाबर आजम तबरेज शमसी के शिकार हो गए, जो कि अंपायर ने नॉट आउट दिया था। लेकिन उसके बाद टैंपा बूगम का और क्विंटन डिकॉक का शानदार रिव्यू और रिव्यू की बदौलत बाबर आजम 50 बनाकर पवेलियन की ओर चल पड़ा। उसके बाद मोहम्मद रिजवान को कोटजे ने बहुत ही शानदार किस्म का बाउंसर लगाया शॉर्ट गेंद पर, मोहम्मद रिजवान को भी आउट किया और पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी को तो मार्को एंसन ही खा गया। जिस तरीके की मार्को एंसन ने दोनों ओपनरों को आउट किया, एक को शॉर्ट गेंद पर आउट किया और इमाम उल्लक को तो कहा कि तू ड्राई लगा और ड्राई पे ही स्लिप पे कैच आउट करवा दिया। और साउथ अफ्रीका ने फील्डिंग भी बहुत अच्छी की, फील्डिंग के लिए तो साउथ अफ्रीका जाना जाता है क्योंकि वहीं से ही फील्डिंग अच्छी करने की शुरुआत हुई थी। तो साउथ अफ्रीका ने
इस मुकाबले को एक विकेटों से जीत लिया है और टेबल के टॉप पर पहुंच गए और पाकिस्तान की सारी उम्मीदें, सेमीफाइनल खेलने की सारी उम्मीदें पर पानी फिर गया है। और इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हो, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बस 1000 सब्सक्राइबर करवा दो और कुछ नहीं चाहिए। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।